क्वेश्चन ये है एस की पावर थ्री लोग ई बेस एक्स, ये मेरी सेकंड वीडियो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। मैंने पहले ही बोला था कि पूरा डिफरेंशिएशन खत्म होने तक बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मैं आपको एलिमेंट्री लेवल से इसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट रूल हो गया, ये पहले को छोड़ो दूसरे का कर दो, dx लगा दिया ये, प्लस दूसरे को छोड़ो और पहले का कर दो, तो एस की पावर थ्री लॉग ई बेस एक्स का आपको याद हो गया होगा 1/x होता है। फार्मूले जरूर याद कर लें, बुक से देख लें, और लॉग ई बेस एक्स और dx का 1 हो गया, एक एक्स एक्स का, तो ये एस स्क्वायर प्लस लॉग ई बेस एक्स, ये आंसर आ गया। क्लियर? देखिए इन दोनों में फर्क समझ लीजिए, लॉग ई बेस एक्स और लॉग ए बेस एक्स, बेस मीन्स नीचे लिखा बेस में, तो देखिए इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/x देता है भाई एक्स के रेस्पेक्ट में। अब लॉग ए बेस एक्स का कैसे होता, देखिए मैं बताऊं, आपने थोड़ा सा याद भी कर लीजिए और ये सोचिए कि लॉग ए बेस एक्स टूटता कैसे है। तो लॉग ए बेस एक्स टूटता है लॉग ई बेस एक्स इंटू लॉग ए बेस ई में, ये इस तरह से टूटता है। तो अगर मान लो आपके पास में ये, बिल्कुल याद रखो कि ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, दूसरी रूप में लिखा जा सकता है, तो लॉग ई बेस एक्स का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने चलोगे तो वाई बराबर का आपने इसको ये मान लिया या ये वाई बराबर था, तो आप इसको लिख दोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इस बन जाएगा लॉग ई बेस एक्स का 1/x, लिख दिया। इसका नहीं होता है, इसमें फर्स्ट और सेकंड का ना सोचें, प्रोडक्ट रूल के बारे में ना सोचें और लोग ए बेस ई ही लिख दें। अब ऐसे मैंने ये क्वेश्चन बना दिया है लोग 10x का, तो अब देखिए मैं 10 का जगह ए, ए मींस हो यहां पर जो होता है लोग ए में, ए नंबर होता है आर्बिट्रेरी नंबर कोई भी, तो अब आपने इसको ऐसे तोड़िए, यानी कि लोग ई बेस एक्स लॉग ई बेस एक्स, ठीक है, इंटू लॉग ए बेस, ए की जगह 10 है ना, 10 इंटू ई, देखिए इसकी तरह तोड़ा, तो इसका तो हो गया 1/x और ये हो गया लॉग 10 बेस ई। समझ में आया? अभी देखिए ये है लॉग ई बेस एक्स, ये है 10x, कोई एक नंबर इनको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, तो रूल जो है यहां लगेगा बस, तो 17 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 को बाहर छोड़ दो, अब यहां फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो अब आप जब डिफरेंशिएट करोगे एस के रेस्पेक्ट में तो लोग ई बेस एक्स फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड का कर दिया, फिर सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का कर देंगे बीच में प्लस लगाते हुए, तो लॉग ई बेस एक्स तो ये ऐसे रह गया और 10x का sec स्क्वायर x हो गया, 10x को ऐसे छोड़ देंगे आप, लॉग ई बेस एक्स का 1/x, सही है, 7 बाहर है, इसमें से कुछ कॉमन वॉमन आ नहीं रहा है, इसको आंसर मान लो, वैसे और ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से तो कुछ भी कहीं भी ले जाओ। ये क्वेश्चन देखिए जरा आप, लॉग ई बेस एक्स डॉट लॉग ई बेस एक्स, ए और ई प्रोडक्ट रूल, तो मैंने आपको क्या बताया कि इसको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है, देखो ऐसा है, इसका शॉर्टकट तरीका वो वाला मत सोचो कि यार इसका जो है डिफरेंशिएशन 1/x इनटू लॉग ई बेस एक्स होता है, वो मत सोचो, क्यों मत सोचो यार, आपने इंटर तक सीमित थोड़ी ना हो, आगे जाने वाले हो, कॉम्पिटिशन में जाने वाले हो, IIT में जाने वाले हो, नीट या कुछ तो बड़ा करने वाले हो ना, तो इसलिए थोड़ा तोड़ते हुए चलो, मतलब एक ही चीज को मत पकड़ के चलो, तो इसे तोड़ो कैसे, तू कैसे बताया था अभी, लॉग ई बेस एक्स
इनटू लॉग ए बेस ई, तोड़ दिया। अब यहां पर साथ में क्या है इसके, ये इसका अब भी बताया इसी में दो सवाल पहले, ये इसमें टूटता है। अब देखिए ये जो ए वाला है इसके साथ में एक्स तो है नहीं, और डिफरेंशिएट आप एक्स के रेस्पेक्ट में करने जा रही, तो मतलब ये मल्टीप्लाई का काम करेगा यहाँ, ठीक है ना, एक कांस्टेंट का काम करेगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते आप। इन दोनों के पास एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो। तो अब देखिए आप, यानी कि ये मल्टीप्लाई का काम करेगा, इसको बाहर लिख लिया और यहां पर इनके साथ रूल लगेंगे। अब यार एक बताओ, दुनिया में ना हर चीज को एक जनरल रूल है, मैथ में भी फिजिक्स में भी, कि जब दो नंबर एक जैसे हो, दो चीजें सेम हो, तो उनका स्क्वायर कर दो। टू इंटू टू यानी कि टू का स्क्वायर मतलब फोर, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन लोग एक ऐसा बंदा है कि ये इनको भी नहीं मानता, इन बातों को भी। देखिए जबकि लोग ई बेस एक्स इंटू लोग ई बेस एक्स, तो कोई ना कोई तो ऐसा जुगाड़ होता कि लोग ई बेस स्क्वायर एक्स कुछ होता नहीं। यहां पर देखिए थोड़ा अजीब है, इसको फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, यहां पर अब डिफरेंशिएट करना है आपको। तो लोग ई बेस एक्स फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का कर लिया। अब फर्स्ट सेकंड किसे छोड़े किसे बोले, दोनों सेम ही है, सही है ना। तो लोग ई बेस एक्स और डिफरेंशिएशन लोग ई बेस एक्स, तो पहले वाला तो ऐसे छोड़ देना है, दूसरा वाले का ये कर दिया, अब दूसरा वाला छोड़ देना है, पहला वाला छोड़ देना है, दूसरे का कर दिया। अब देखिए जुड़ जाएगा ये, क्यों, वन अपॉन एक्स जुड़ जाएगा ना, टू अपॉन एक्स हो गए। तो आप लिख दोगे टू अपॉन एक्स इंटू लोग ई बेस एक्स। अब यहां एक बात और ध्यान देनी है, क्या साथ में ये भाई साहब तो चल ही रहे हैं, क्यों जी, इनको किसी ने मना थोड़ी किया था। अब सोचिए ये और ये मल्टीप्लाई में मिलकर क्या बनाते हैं, लॉग ए बेस ई इंटू लॉग ई बेस एक्स, मल्टीप्लाई में मिलकर यही तो बनाएंगे, ऐसी तो तोड़ के लाए थे, देख लीजिए ना सर। अब यही पहुंच जाओ, ये लिख दो, ये और ये, बोलिए ना, से यस वी हैव अंडरस्टूड। अब यहां पर ना तीन बंदे नजर आ रहे हैं, अब आप सोचोगे कि क्या प्रोडक्ट का कोई टप्पर रोल भी होता है क्या, ऐसा नहीं है। आपके एडजस्टमेंट के ऊपर है कि कोई दो छोटे वाले एक तरफ मान लो और कोई एक फंक्शन एक तरफ ले लो। तो देखिए मैं ये कर सकता हूं कि एक्स एस को, सही है, इनको फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, और ये इक्वेशन वाई बराबर मान लूं। चलिए फिर डिफरेंशिएट करिए बिना किसी लेट के। तो ये फर्स्ट बंदा है, छोड़ जाओ सेकंड बंदे का, कर जाओ सेकंड को, छोड़ जाओ फर्स्ट बंदे का, कर जाओ। देखिए ये एडिशन साइन एक्स का, और ये देखो जल्दी जल्दी देखते रहो, अब इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब ये फंस गया, ये अब फर्स्ट और सेकंड दो बंदे हो गए, ठीक है। अब ये हो जाएगा उस चैनल, उसी में प्रोडक्ट रूल में चला गया ये, ठीक है। तो एक्स ई एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बेचारा तो यही है, प्लस साइन एक्स, और ई एक्स का ई एक्स इंटू वन, यहां से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेने के कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं भाइयों, एक्स प्लस वन, देखो यहां पर है एक्स ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, अब इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, अब यहां से एक्स भी कॉमन ले लो, तो कुछ कुछ ये बचता है, क्या बात है, समझ में आ गया। पॉज करो वीडियो और क्वेश्चन उतार लो। देखो ये जो है ना सीखने के लिए है, और जो बंदे सीखते हैं ना वो जो है बड़े कॉम्पिटिशन्स निकालते हैं। अब मैं कोई भी बुक है उसको डायरेक्ट तो शुरू कर सकता हूँ, मान लो मैं अपने कोई भी बोर्ड की बुक को शुरू कर दूं कि देखो फर्स्ट का आंसर ये ऐसे सोल्व हो रहा, सेकंड ऐसे सोल्व हो रहा है, बट मैं ना ओवरऑल आपको ये चीज सिखाना ही चाह रहा हूँ ताकि आप सीख जाओ। बुक्स तो मैं करूंगा ना सोल्व, पहले सिखा लूं कि होते कैसे, ठीक है, क्योंकि भाई ना तो एनसीईआरटी इतनी ईजी है, ना ही आर डी शर्मा इतनी ईजी है,
जितना इजी और डेप्थ लेवल से हम लेकर चल रहे हैं इसको। देखिए ये लॉग एक्स की पावर एक्स, ओफो पावर एक्स की पावर एक्स, वो वाली पावर पे है नहीं। तो आपने यार लॉग के ना एक रूल को याद रख लो, लॉग का एक रूल ये याद रखो कि इसके बाद में जो भी इसका डेरिवेटिव हो उसके साथ उस पर पावर लगी हो तो वो पावर जो है ना हम डायरेक्ट उतार के रख लेते हैं नीचे को, ठीक है ना। देखो कैसे, इसके पास ये एक्स था तो ये एक्स यहां उतार लेंगे, यानी कि कोफिशियंट बना देंगे उसका, पावर का कोफिशियंट बना देंगे। ये हमें लोग ने इजाजत दी है कि यार चलो तुम ऐसा कर लिया करो, क्योंकि लोग हूं मैं बहुत टफ चीज हूं, तो एक दो रूल मेरे याद कर लो। अजय ने लोग एक बड़ा अजीब सा है। अच्छा देखो एक बात यहां से गौर कर लो, जिन स्टूडेंट्स को लोग में नॉलेज ना हो, लोग से रिलेटेड लॉगरिथम, सही है ना, एल्गोरिथम लॉगरिथम जो भी तुम समझो से रिलेटेड अगर परेशानी वाकई में है तो मैं ना लोग की भी एक वीडियो बना दूंगा, जीरो से चलेंगे, ठीक है। मूड में आ गया लोग की वीडियो बनानी है, आइडिया मिल गया मुझे, क्या पता मैं अभी बना दूं, टोटल जीरो से लेके ऊपर तक सारा लोग समझेंगे, ठीक है पक्का सही है। तो यहां पे फर्स्ट सेकंड मान लो तो डिफरेंशिएट कर दो dy अपॉन dx एस log e बेस x प्लस log e बेस x डिफरेंशिएशन x, तो दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, समझ गए होगे, दिस एंड दिस एंड दिस एंड। देखिए भाई यहां पर जो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये थोड़ा सा चैन रूल का टेस्ट देगा। चैन रूल होता है वो यहीं से आदत डाल लो उसकी चैन रूल की, और ये जो टेस्ट देगा का मीनिंग ये है कि पूरा चैन रूल से सोल्व होना है। तो डोंट वरी बी हैप्पी, इसको बस तोड़ लीजिए, थोड़ा सा तोड़ लो, ये रूट क्या है, इट इज द पावर ऑफ हाफ। तो अब देखिए देख लीजिए ना प्लीज, ये क्या हो गया, एस टू दी पावर एन हो गया, एन का पहले वाला रूल याद है ना, एस टू पावर एन का फर्स्ट वीडियो देख लो जल्दी से। तो डिफरेंशिएट कर लो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब देखिए टू तो बेचारा मल्टीप्लाई के काम में, अभी इसको बंद रखो, पावर उतार लो, उतार ली, कोट एस स्क्वायर हाफ की पावर माइनस वन, इज इट क्लियर, पक्का, वेरी गुड यार, टू से टू कोई एतराज, वेरी गुड। तो अभी देखिए, हाँ अभी तुमने पावर का किया था ना, अभी ना ये बंदा जो था कोट एस स्क्वायर तो बच गया, अभी तो खाली पावर का किया, तो डिफरेंशिएशन कोट एस स्क्वायर फिल्म अभी बाकी है, ठीक है। और ये क्या हुआ, टू वन से टू माइनस के टू प्लस का वन, तो माइनस का हाफ पैसा करके देख लेना यार। अब कोट एस स्क्वायर में क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर, और उधर उसके पास भी एक्स स्क्वायर है। अब जब तक उसकी एक्स के, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करो एक्स तक खत्म ना हो जाए तब तक करते रहना। तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर बचा ना, ये चैन रूल है, एस स्क्वायर देखो मतलब डिफरेंशिएशन कैसे बार बार होता जा रहा है, ठीक। यहां पर ये माइनस है, ये अब ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर और एस स्क्वायर का हो गया टू एक्स, ये माइनस हाफ है, इसको नीचे ले जाओ, ठीक है, तो इसका प्लस हाफ बन जाएगा कोट स्क्वायर, और ये हो गया प्लस हाफ। अब हाफ लिख दो या रूट लिख दो, एनी डाउट, ये टू एक्स माइनस में ये माइनस है, टू एक्स यहाँ लिख दो, और ये है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज द आंसर, ठीक। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में प्रोडक्ट रूल पर बात खत्म की थी, और सेकंड के अभी तक भी मैंने प्रोडक्ट रूल ही पढ़ाया था, ठीक है, यानी कि वही फर्स्ट सेकंड दो बंदे मल्टीप्लाई में जब होते हैं। अब क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ, ठीक है, डिवाइड वाला रूल। तो देखिए
जैसे कि आपके पास में u अपॉन v है, ठीक, डिवाइड के जरूर है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना है और डिफरेंशिएशन नहीं करना है, किसका, न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस लगाना है, न्यूमिरेटर को छोड़ देना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है और जो असलियत में डिनोमिनेटर है उसका बिना कुछ करे स्क्वायर कर देना है। उसके बाद वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मैथमेटिकल नॉलेज से उसको आगे बढ़ा दो। इट इज टुडे हैप्पी दीपावली, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन रूल भी मैंने ये बना लिया, सीधा सीधे बनाएंगे यार, अभी भी फ्री चीज सीखनी है ना। तो डिफरेंशिएट में लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन वन माइनस वन डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, रूल तो याद हो ही गया होगा, और नीचे वाला यानी किसका स्क्वायर। तो वन का क्या होता है भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो, तो कॉस एक्स की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, वन ये आ गया, कॉस एक्स के क्या हो गया माइनस साइन एक्स, ये तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस यानी कि प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आंसर। अब ये देखिए आप, ठीक है, तो क्या करना है, वन माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन वन माइनस साइन एक्स एंड न्यूमिरेटर का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो देखिए वन माइनस साइन एक्स का तो ये तो ऐसे रह गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वन का जीरो और साइन एक्स का कॉस एक्स, सही है। अब माइनस वहां लगा हुआ था तो माइनस माइनस ये बेचारा प्लस हो गया और नीचे ये वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर एक्स और नीचे है वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये इसकी वैल्यू तो वन होती है ना, सबको मालूम होगा, तो इसको मैं वन लिखूं तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ वन माइनस साइन एक्स, सही है वन, और ये फिर बाद में ये लिख दिया और नीचे हो गया वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक वन माइनस साइन एक्स से एक वन माइनस साइन एक्स कट गया, ये बचा वन माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन। ठीक, चेक कर लो सही से वीडियो पॉज करके। अब इसको देखते हैं, साइन एक्स डिफरेंशिएशन लॉग ई बेस एक्स माइनस लॉग ई बेस एक्स डिफरेंशिएशन साइन एक्स की बेवफाई, लॉग एक्स का हो गया वन अपॉन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और नीचे आ गया ये साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस एक्स से देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर ये अपॉन में आ जाएगा, एक्स लॉग ई बेस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सही है, ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए। देखिए ये वाला डिफरेंशिएशन कर दो, क्वोशेंट रूल में चल रहे हैं भाई, अब कुछ देर तक क्वोशेंट रूल के क्वेश्चन करेंगे। ये डिफरेंशिएशन है यार, दुआ मैंने की तूने की बेवफाई, इससे इधर मल्टीप्लाई
माइनस इधर ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स लॉग ई बेस एक्स का होल स्क्वायर, इट इज द आंसर। ये मल्टीप्लाई की थी ना इससे एक्स से, तो एक्स नीचे रह गया। ठीक है, मेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई। देखिए एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर तो डिफरेंशिएट कर दो। वफा मैंने की तुमने की बेवफाई, थोड़ा ना कान था। सही है। अब देखिए एक्स का तो वन हो गया ना यार, ठीक एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, जीरो, और एक्स स्क्वायर का टू एक्स। क्यों? अब देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो बेचारा ये रह गया, एक्स से जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, माइनस टू, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स से टू एक्स, और नीचे क्या है एक्स, माइनस टू एक्स में से प्लस का एक्स गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर लिखो बिना किसी डाउट के। आपका इस क्वेश्चन में स्वागत है। डिफरेंशिएशन कर लीजिए यार, बोलो चैन रूल सही लगा दिया, जल्दी बोलो एस का डिफरेंशिएशन, बोलो वफा मैंने की तूने की बेवफाई। ओ भैया ये तो सब कुछ सेम हो गया भाई। भाइयो कुल मिलाकर क्वेश्चन गलत लिख गया, कहां गलती हो गई यार, देखो यही तो आता। ईएक्स और डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ईएक्स का ये ईएक्स आ गया, वन का क्या हुआ जीरो, और एक्स स्क्वायर का क्या हुआ टू एक्स। तभी तो हम सोच रहे हैं कि जीरो आ रहा है, कट जाएगा जीरो आ जाएगा, वो तो आइडिया हो जाता है ना। तो ये एक्स टू एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है, तो जीरो जोड़ के क्या उखाड़ लेगा ये, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ई की पावर एक्स कॉमन ले लो यार, बस कुछ नहीं दिख रहा और मुझे, माइनस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है आंसर मानो, बस ऑर्डर में लिख देना, यानी कि ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब e की पावर x, ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट कर लो, 1 प्लस e की पावर x डिफरेंशिएट e की पावर x, माइनस e की पावर x डिफरेंशिएट 1 प्लस e की पावर x, और 1 प्लस e टू की पावर x का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस e की पावर x, यहां पर e की पावर x का क्या हुआ, e की पावर x ही तो हुआ, और ये e की पावर x 1 का 0, तो ये e की पावर x ही रह गया, तो e की पावर x दोनों के पास आ गया, e की पावर x को हम ले लो, 1 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन ओ, 1 प्लस e की पावर एस का होल स्क्वायर लिखने से रह गया था ये, इससे ये बंदा गया, तो ऊपर e की पावर x ही तो बचा, और नीचे 1 प्लस e की पावर एस का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, इट इज आंसर। अब इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप डिफरेंशिएट कर ही लोगे, ये sec x डिफरेंशिएशन 1 माइनस टेन एक्स और माइनस 1 माइनस टेन एक्स, और ये डिफरेंशिएशन sec x, सही है, और नीचे sec स्क्वायर x। तो देखिए क्या हो रहा है,
ये तो sec x आ गया 1 का 0, tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर x, तो माइनस पहले से लगा तो वो माइनस के ऊपर लगा दिया मैंने, सही है, 1 माइनस tan x ये बेचारा लिखा हुआ ही है, और sec x का क्या हो गया sec x इंटू tan x, सही है, और ये sec स्क्वायर x। सॉल्व करने का काम है बस इसमें भाई मैन, तो माइनस sec x sec स्क्वायर x माइनस sec tan x से वन में मल्टीप्लाई करो तो sec x इंटू tan x माइनस माइनस प्लस, सही है भाइयो भाइयो भाइयो, sec x tan स्क्वायर x सही है, और नीचे sec स्क्वायर x, अब क्या बचता है और क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सोचना है, लेकिन कुछ ये समझ में आ रही है बात कि इसको इसको साथ लिख लो और इसमें से sec x कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें और इसमें से sec x मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है, माइनस sec स्क्वायर x, इधर से ये बच रहा है और इधर से tan स्क्वायर x बच रहा है ना, ठीक, प्लस tan स्क्वायर x, सही है, ये बच रहा है और यहाँ पर ये आ गया माइनस sec x इंटू tan x अपॉन sec स्क्वायर x, अब sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x तो होता है 1, लेकिन यहां पर मिल गया मामला उल्टा, सही है, तो इसको माइनस 1 लिख दें, इसको माइनस 1 लिख देते हैं, और माइनस 1 की sec x से मल्टीप्लाई हो रही है तो माइनस sec x लिख दूं, इधर ये है sec x इंटू tan x अपॉन sec स्क्वायर x, तो यहां से माइनस sec x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan x बचा, और नीचे है ये sec स्क्वायर x, एक sec से एक sec काट दो तो बच रहा है माइनस 1 प्लस tan x अपॉन sec x, ये आंसर बच गया, नीचे आया था नहीं आया, ओहो ये वाली लाइन नहीं आई नीचे, ये नहीं आई ना, दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, मैं लिख रहा हूँ, देखो वो ये था, यहाँ से जो आपको समझ में नहीं आया नहीं दिखा वो ये है, ठीक है, यहाँ के बाद ये आएगा, ठीक है, इसमें से sec x मैंने कॉमन ले लिया माइनस के साथ तो क्या बचा, sec 1 प्लस tan x बचता है, नीचे sec स्क्वायर x है, एक sec sec स्क्वायर काट दिया, ऊपर ये बचा माइनस का निशान हो गया, आंसर ठीक है, तो क्लियर, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप सिंपली जो है इसको छोटा कर लीजिए, मान लो cos x से डिवाइड कर लो या sin से डिवाइड कर लो, cos x से डिवाइड कर लो, ठीक है ना, तो cos से करोगे 1, sin अपॉन cos tan 1 और sin अपॉन cos tan, तो यानी कि क्या बन जाएगा 1 माइनस tan x, अब क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा मिले या ऐसा लिखा मिले एक ही बात है, ठीक है, तो क्वेश्चन रूल्स आ रही है, y बराबर मान लो यहां डिफरेंशिएट कर दो तो 1 प्लस tan x डिफरेंशिएशन 1 माइनस tan x माइनस 1 माइनस tan x और डिफरेंशिएशन 1 प्लस tan x, और ये देखिए 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, क्लियर, अब देखिए ये तो हो गया आपका 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x है ना, तो 1 का 0 और tan x का माइनस sec स्क्वायर x, अब ये 1 माइनस tan x बेचारा ऐसे आ गया
इस वन का जीरो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, बाकी वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी ऐसे ही आ गया। अब ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स है, चलो मल्टीप्लाई कर लो, माइनस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ये क्या है इधर माइनस से मल्टीप्लाई, इधर सेक से, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ठीक है, अपॉन वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बंदा और ये बंदा सेम है, अब ये सेक स्क्वायर एक्स कितना हो गया, माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स हो गया अपॉन वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी आंसर बन रहा है इसका, ठीक है। वरना एक आंसर और बना सकते हो आप, क्या भाई सेक स्क्वायर एक्स को आप वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते, वन प्लस टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स और नीचे वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो एक इससे कट नहीं गया, तो आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा माइनस टू और नीचे बचा वन प्लस टेन एक्स, क्लियर, ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वन प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन वन माइनस कॉस एक्स, क्वोशेंट रूल चल रहा है, और वन माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये तो हुआ वन प्लस कॉस एक्स, वन का डिफरेंशिएशन जीरो क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में लिए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और इसके साथ भी माइनस है तो प्लस साइन एक्स हो गया। अब देखिए ये तो है वन माइनस कॉस एक्स, वन का जीरो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, अब ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो ये देखिए और नीचे वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो यार, साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सही है, अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इससे यार ये बंदा चला गया साइन और साइन टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सही है जी, आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है कोसेक्स प्लस कोटेक्स, इसको खोल लो, इसके सब मल्टीपल बना लो, यानी के कोसेक्स का क्या हो गया वन अपॉन और कोसेक्स कोटेक्स का कोसेक्स अपॉन साइन एक्स, तोड़ दिया ऐसे, यहाँ जो वन अपॉन साइन एक्स माइनस वन कोसेक्स अपॉन साइन एक्स, यहां से साइन एक्स कॉमन ले लो तो वन प्लस कॉस एक्स बचा ऊपर, यहां से भी साइन एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉमन ले लिया तो वन माइनस कॉस एक्स बचा, ठीक, इससे ये कट गया तो क्या बच गया, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन कॉस एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो, और जब पीछे मैंने क्वेश्चन किया है यही तो किया इससे पहले वाला, तो हो गया काम बस। ये क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स प्लस टेन एक्स और डिवाइड अपॉन टी एस बताना है पाई बाई थ्री पर, तो डिफरेंशिएट कर ही लेंगे आप लॉग साइन एक्स, देखिए लॉग के बारे में थोड़ा यार ध्यान दे दो, अगर लिखा हो ना लॉग बिना बेस का खाली ऐसे लिखाओ साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना, लॉग टेन एक्स, ठीक है, इसकी इसको समझ लो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये लॉग जो होता है वो लॉग ई बेस एक्स ही होता है, ठीक है। अब यहां पर एक्स की जगह साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है,
तो अब मान लो जब log e बेस x होता था तो क्या लिखते थे, 1 अपॉन x। अब x की जगह लिख दिया हमने sin x, तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन sin x, ठीक है ना। बस ये बात ध्यान रखनी है, तो इसकी जगह हो गया 1 अपॉन sin x, और फिर sin x का दोबारा होना है, क्यों, क्योंकि अभी तो log का हुआ था, sin x का तो हुआ। और हाँ, ये उसमें आएगा नहीं, काय में प्रोडक्ट रूल में कभी सोचो लोग e बेस x है, नहीं नहीं ये एक ही तो है, लोग e बेस x, x की जगह sin x है, तो sin x का दोबारा कर लेंगे आप, sin x का cos x हो गया, cos upon sin क्या हो गया, cot x। इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि हो गया काम खत्म, ठीक है। ऐसे यहाँ जो ये समझाने के लिए ना यहाँ पे ये चीज आ गई थी, तो मैं सोचा इसको पहले समझा दे रहा हूँ। तो y बराबर ये है, तो dy upon dx 1 अपॉन टेन एक्स अपॉन में आ जाएगा, फिर टेन एक्स का दोबारा कर दोगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 1 अपॉन टेन एक्स और इसका हो गया sec स्क्वायर एक्स, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री का तरीके से सॉल्व कर लो, हो ही जाएगा, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये समझ में आ गई बात, उतार लेना वरना। तो यानी कि ये आया था 1 अपॉन साइन एक्स डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस में है, तो टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स, तो ये साइन एक्स का cos x बना, 1 अपॉन साइन एक्स इसका बन गया cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स, cos अपॉन साइन क्या हो गया cot x प्लस sec स्क्वायर एक्स। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पाई बाई थ्री पर, ये पाई बाई थ्री पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कोट पाई बाई थ्री प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री, तो कोट पाई बाई थ्री कितना हो गया, तीन झंडा रहे यानी कि वन अपॉन रूट थ्री, और टू, ये टू का स्क्वायर, तो वन अपॉन रूट थ्री प्लस फोर। देखना ये यार आंसर, ये क्वेश्चन और देखिए चैन रूल, उसमें क्वेश्चन रूल में देखते हैं, देखिए ये बना हुआ है तो वही है, पहले तोड़कर उसको इजी तो कर लो। तो वन किसकी वैल्यू होती है, साइन टू एस लिखा है ना इधर, तो यहीं से कुछ हिंट ले लो, साइन है तो साइन कोस के साथ क्या होती होगी, या साइन टू एस किसकी होती होगी, इस तरह से हिंट ले लिया करो, ठीक है ना। तो वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन, माइनस साइन टू एस तो टू साइन एक्स इन टू कोस एक्स, ठीक है जी। ऐसे यहाँ आ जाइए, वन का क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसका रूट। अब देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी के साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये प्लस में है, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, दोनों के पास स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया। कोस से डिवाइड कर दो या साइन से डिवाइड करोगे तो कोट आएगा, कोस से डिवाइड कर दोगे तो साइन आ जाएगा। बोलो कैसे बनाना चाह रहे हो, कैसे भी बना लो यार, साइन से डिवाइड कर दूं, कोस से डिवाइड कर दूं, चलो कोस से डिवाइड कर दिया, तो कोस से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा टेन एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस वन, कोस से डिवाइड करने पर। थोड़ा सीधा कर करा के लिख लूँ, माइनस कॉमन मतलब पलट के लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एक रूल में आ जाएगा ना ये, ठीक है। देखिए ऐसी डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है ना, छोड़ो, तो ऐसे भी चेंज हो सकता है ये, और ये ऐसे भी चेंज हो सकता है कि मान लो यहाँ से इसको मैं cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर भी मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो हो सकता है, यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ पर एक माइनस आ रहा है आगे, तो यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, क्यों, अब ये बाहर आ जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहां पर आप जो है ना कोस से डिवाइड कर देना, तो वन माइनस टेन एक्स
वन प्लस टेन एक्स, ये रास्ता ज़्यादा इजी है। अब बाकी यहाँ के बाद आगे मैंने डिफरेंशिएशन करना सिखाई दिया है, बस यहाँ पे तोड़ना बताया है मैंने आपको, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा और साथ में भाइयों फिर वही बात कि थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब का ध्यान रखें, क्वेश्चन को सही से उतार लेना वीडियो पॉज करके, और मैं यहाँ से आपका ख्याल रख रहा हूँ, वहाँ से आप मेरा ख्याल रखिए। फिज़िक्स और मैथ अच्छे से देखना है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हों या कम गवर्नमेंटेड कम्पटिशन्स की तैयारी कर रहे हों तो उनको मैं रीजनिंग भी दूंगा, इंग्लिश की ग्रामर भी दूंगा और कम्पिटिटिव मैथ भी दूंगा, सभी फील्ड में मिलेगा आपको, इसी बोर्ड से मिलेगा, यू डोंट वरी यार। शेयर करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक हो और बस दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज। हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।